नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के उड्डा चौक पर। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर एक बेकाबू एल्टो कार किस तरीके से आती है। पहले तो एक कार को टक्कर मारती है और उसके बाद में एक ई रिक्शा सवार को टक्कर मारती है और किस तरीके से आप देख सकते हैं इसके गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। और बताया जा रहा है इस गाड़ी में जो व्यक्ति था वो ड्रिंक किया हुआ था, नशे में था। और इसके साथ साथ इस गाड़ी में आप देख सकते हैं बियर की बोतलें, कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें, बियर की बोतलें ही बोतलें नजर आ रही है। ये देख सकते हैं नमकीन नजर आ रहा है किस तरीके से, साथ में तो वो बियर पी रहा था और नमकीन भी खा रहा था। आपको तस्वीर सीधी दिखा रहा हूँ और बियर की बोतलें, ठंडी बोतलें, इसका मतलब अभी अभी उसने कहीं शराब के ठेके से बियर की बोतलें ली होगी और बियर पी रहा था। ये नमकीन आप देख सकते हैं, नमकीन भी साइड में पड़ा है और किस तरीके से ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति एल्टो कार लेकर आता है और किस तरीके से बेकाबू होकर पहले तो ई रिक्शा को टक्कर मारता है और ई रिक्शा वाला व्यक्ति जो घायल हो जाता है, उसकी ई रिक्शा टूट जाती है। उसके बाद में रंधावा गांव के सरपंच की गाड़ी आ रही थी उसको भी टक्कर मारता है और उसके बाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी अनियंत्रित होकर यहाँ पर अपने आप रुक जाती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस गाड़ी की हालात आप देख सकते हैं। पुलिस वाले आप देख सकते हैं, पुलिस कर्मी है वो धक्का मारकर इस गाड़ी को साइड में कर रहे हैं और आसपास के लोग यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ मैं सिरसा के उड्डा चौक से। आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर उड्डा चौक और किसान चौक के बीच का एरिया है। यहाँ पर एक बेकाबू एल्टो कार किस तरीके से आती है और आकर एक ई रिक्शा और इसके साथ साथ एक गाड़ी को टक्कर मारती है। और बताया जा रहा है जो इस एल्टो गाड़ी को चला रहा था वो व्यक्ति नशे की हालत में था और इसके साथ साथ अब वो गाड़ी छोड़कर फरार हो चुका है। अब पुलिस बल टीम मौजूद है और इसके साथ साथ आसपास के लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह सरपंच रंधावा। क्या पूरा मामला हुआ, किस तरह से ये? नहीं, मामला ये है, मैं इस साइड से आ रहा था तो गाड़ी मेरे को क्रॉस की है, पहले मेरी गाड़ी में लगी है, उसके बाद फुटपाथ क्रॉस करके ये पूरी गाड़ी, यहाँ एक ई रिक्शा खड़ी थी उसके अंदर आगे लगी है। बिल्कुल, इस गाड़ी ने शराब भी रखी, ड्राइवर ने इसके गाड़ी के अंदर शराब पड़ी है, ये मौका से भी नहीं देख लिया। तो गाड़ी कहाँ से थी, किस तरफ जा रही थी? गाड़ी इस अपना महाराणा प्रताप चौक की तरफ जा रही थी। गाड़ी में कितने लोग थे? नहीं, मेरे को एक ही लोग लगे मौके का, एक ही बंदा नहीं, मौके का निकल गया वो यार। हाँ, पहले हाँ उसकी फोटो वगैरह सारा कुछ है। कितने कितने लोगों को टक्कर मारी है उसने? उसने पहले मेरी गाड़ी के आगे बम्पर के मारी है, फिर क्रॉस करके ई रिक्शा वाले की उसको बहुत चोट लगी है। अच्छा, उसको भी टक्कर मारी? हाँ जी। फोटो राकेश, आप ही रिक्शे चला रहे थे? हाँ जी। तो कैसे ये क्या सोच रहे? मैं उधर से आराम आराम से आ रहा था, उधर से वो स्पीड में गाड़ी थी उछल के पूरी गाड़ी मेरे ऊपर आ गई है सीधे। हाँ जी, पहले साइड से गाड़ी और सीधे इस रोड पे आई है। आप रिक्शे चलाते हैं? हाँ जी। सवारी वगैरह भी थी आपकी रिक्शा? कुछ नहीं थी सवारी जी, सीधा गाड़ी उछल के सीधा हमारे ऊपर आ गई गाड़ी पहले साइड से। हाँ, उन्होंने दारू और उनके गाड़ी में दारू पड़ी है, सब कुछ बढ़ा है जी उनकी गाड़ी में, दारू भी पी रखा है। हाँ जी, ये देखो चोट लगी हुई है सर, ज्यादा चोट। मामला एक्सीडेंट हुआ है ये गाड़ी का और जो चोट लगे उसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आगे कार्रवाई करेंगे। बियर की बोतल है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।